पति की मौत के बाद ससुराल में रहकर सब्जी बेचकर बच्चों का भरण पोषण कर रही महिला को एक युवक ने शादी करने का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर सतरंगी सपने दिखाकर वह उस युवक के झांसे में आ गई और बहकी महिला ने भी उस युवक से हाँ कर दी। इस पर युवक उसे अपने साथ अपने घर ले गया और शादी की बातें कर 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अब से 3 माह पूर्व जब महिला ने शादी करने का दबाव बनाया तो उसके साथ मारपीट कर उसका स्त्री छन छीन कर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने कोतवाली में दिए प्रार्थना पत्र में युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम कुड़ार जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश निवासी महिला ने बताया कि उसकी शादी सरकार थाना क्षेत्र के ग्राम मगरपुर निवासी के साथ हुई थी जिससे बच्चे हुए। अब से 5 वर्ष पूर्व पति की मौत हादसे में हो गई। बाद में वह ससुराल में रहकर सब्जी की डलिया लगाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर घर चलाती रही। महिला के अनुसार अब से 2 वर्ष पूर्व मऊरानीपुर के ग्राम स्यावरी पृथ्वीपुर निवासी सजाती युवक से उसकी मुलाकात हुई जिसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और सुनहरे सपने दिखाए। पीड़ित के अनुसार उसने बच्चों की खातिर दूसरा घर बसाने की बात पर हाँ कह दिया। इस पर युवक उसे अपने गाँव ले आया, उसके साथ शादी की बातें कर 2 साल तक दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया कि युवक के बेरोजगार होने पर उस महिला ने अपनी कमाई के रुपयों से एक आपे टैक्सी मऊरानीपुर निवासी के माध्यम से 80,000 रुपए में खरीद कर दी, साथ ही 20,000 रुपए नकद भी दिए। बीतते समय के साथ 2 साल होने पर उसने अब से 3 माह पूर्व युवक पर शादी का दबाव बनाया तो उसे बंधक बनाकर मारपीट करते हुए उसके जेवर टैक्सी छीनकर भगा दिया। मामला पंचायत में पहुंचा जहां 3 माह की बातचीत के दौरान युवक ने पंचायत का फैसला मानने से इनकार कर दिया। आज उस पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। कहाँ के निवासी हो आप? आपकी साली के साथ क्या हुआ? और साहब कोई संबंध रख लिया है उसने और अब वो अपने घर रख लिया है वो लोहाले को। कौन है वो? अशोक नाम है उसका। कहाँ का निवासी है? जो है पीथी सियावरी पीथी पर। क्या किया उसने? अब क्या किया उसके साथ? उसके साथ जो है संबंध रखे ना वो अब पैसा की लालची में लोहाले को बस। कब से शोषण कर रहा? अब वो जा 2 साल से वो अब रख नहीं रहो। शादी का झांसा देकर? हाँ, उसने शादी की कही कि शादी कर लेंगे हम इसके साथ। अब क्या कह रहा है? अब वो जा कह रहा हो कि हम नहीं रखेंगे उसको। आप क्या चाहते हैं? हम उसको नया चाहते हैं कि उसको नहीं रखने तो छोटी छुट्टी दे दे बस। हमें आपका कुसुमा। कहाँ के निवासी हो? मगरपुर की। क्या समस्या हुई आपके साथ? हमारे पति ने 2 साल दिलासा दे के रखा है, फिर रखना नहीं चाहता है, मारपीट करता है। कौन रखे हैं आपको? जी अशोक। अशोक कहाँ का निवासी है? अशोक जी मऊरानीपुर का और स्यावरी पीठपुर का रहने वाला है। कब से रखे हैं आपको? 2 साल से। शादी नहीं की थी क्या आपने? नहीं शादी नहीं की। इसमें ये कहता रहा हम शादी करेंगे कहीं यहाँ से मैं रखे ना, बस अब कुछ 3 माह से ये हमारे पास नहीं जा रहा है रखने के लिए, ना कुछ फोन वगैरह करता है। खाने पीने की व्यवस्था भाई कहाँ से बनती है? नहीं हम सब दुकान लगाते हैं, अपनी मजदूरी से बच्चे पेट पाल रहे। कब से पीड़ित हो आप? जी पीड़ित 2 साल से हुआ, अभी 3 माह से बिल्कुल ज़्यादा पीड़ित हो गया। आपका पहला पति क्या करता था? मजदूरी करता था, मिस्त्री का काम। डेट कब हुई थी उनकी? 5 साल हो गए। आप क्या चाहती हैं? ये चाहते हैं हम अपनी चीज़ गाड़ी लेना चाहते हैं, बस हमारे साथ ये गलत काम करता रहा है 2 साल तक। कब से कर रहा है? 2 साल से।